दोस्तों आप सब देख रहे हैं कुंडली भाग्य का सीरियल। तो इस सीरियल में अभी क्या देखने को मिला आप लोगों को? काव्या से शादी करने के लिए राजवीर प्रीता को भी किडनैप करवा दिया। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि काव्या को वो लेने के लिए जाता है, वरुण अपनी कार में बैठा कर उसको लाता है। और प्रीता के बारे में वरुण काफ़ी उल्टा पुल्टा बोलता है। तो काव्या कहती है कि प्रीता मेरी माँ है, मेरी मौसी नहीं, मेरी माँ है, और उसी ने मुझे और राजवीर को पैदा किया है। लेकिन एक एक्सीडेंट होने की वजह से प्रीता की जितनी भी याददाश्त थी वो सारी वो भूल चुकी है, उनकी याददाश्त चली गई है। तो उनको अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ और उसने मुझे पैदा किया है कि नहीं, ये उनको अभी पता नहीं चल रहा है। बट जब उनकी याददाश्त वापस आएगी तो उन्हें पता चलेगा। तो मैं अपनी माँ प्रीता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वरुण कार में उसको लाता है बैठा के और उनको ये बोलता है कि देखो हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, अब जो भी कुछ हुआ होने दो और अब हम लोग चलो शादी कर लेते हैं। भाई साहब आपको पता होगा जो इस सीरियल को देख रहे हैं और जो लगातार इस पे बने हैं उनको पता होगा कि क्या हुआ था। होता ये है कि काव्या से शादी करने के लिए वरुण ने बहुत सारे नौटंकी किया। एक्चुअली में वरुण की शादी पहले हो चुकी है और वो सिर्फ काव्या से इसलिए शादी करना चाह रहा था कि उनको काव्या की सारी प्रॉपर्टी, करण लोथरा का प्रॉपर्टी उनको मिल सके और वो उनको ब्लैकमेल कर सके। समझ लो कि एक तरीके से वो ब्लैकमेल ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन काव्या ने वहाँ पे मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जब वो शादी करने के लिए उसके घर पे आया, बाराती लेकर के आया, तो कितनी वहाँ पे हुई थी, बहुत तरीके की बातचीत हुई, लड़ाई झगड़े हुए, उनको घर से धक्का निकाल कर, धक्का मार कर बाहर निकाला गया था वरुण को। फिर भी वो बोला कि नहीं, मैं करण लूथरा परिवार को बर्बाद करके रहूँगा और मैं काव्या से शादी ही करूँगा। तो फिर अभी दोबारा इस सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट मिले आपको पहले और आप लोग करें एंजॉय। लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए अंदाज में। जय हिंद जय भारत, लव यू दोस्तों।